हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीकिंग के बारे में, जो आईएलटीएस का एक मॉड्यूल होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पीकिंग में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन उनमें से पुट किए जाते हैं। लाइक देयर आर थ्री पार्ट्स इन द स्पीकिंग मॉड्यूल। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी पार्ट। सेकेंड वन इज क्यू कार्ड and the third one is discussion part। So these are the three part that have in the speaking module। आज हम बात करने जा रहे हैं introduction part के बारे में, कि इसमें किस तरह के question जो है वो सभी से पूछे जाते हैं, either वो GT student है और academic student है। So सभी से जो इंट्रो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मोस्टली होता है, व्हाट इज योर गुड नेम और व्हाट इज योर नेम, कि आपका गुड नेम क्या है और आपका व्हाट इज योर फुल नेम क्या है। इसका आंसर आपको आपका फुल नेम बताना होता है। लाइक आप बोल सकते हो माय फुल नेम इज रितिका शर्मा, जो आपके पासपोर्ट आईडी पे मेंशन हुआ होगा वही नेम आपको यहाँ पे बताना होता है। जैसे आप बोल सकते हो माय नेम इज रितिका शर्मा। ओके, नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो होता है How I can address you और हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है What should I call you। बहुत से स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो एड्रेस यहां पे पूछा गया है ये उनका रेजिडेंशियल एड्रेस है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो पूछा गया है ये जस्ट ये पूछा गया है कि एग्जामिनर उसे किस नाम से पुकार सकता है, और आपका आंसर जो होना चाहिए वो आपका निक नेम होना चाहिए। आप बोल सकते हो यू कैन कॉल मी विद माई फर्स्ट नेम दैट इज रितिका, आप ऐसे बोल सकते हैं माई निक नेम इज रितिका, और यू कैन कॉल मी विद माई फर्स्ट नेम रितिका, दैट इज रितिका। सो इस तरह के आपसे क्वेश्चन जो है वो इंट्रो में पूछे जाएंगे। और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो होगा हमारे एड्रेस के बेस पे। जैसे हमारा क्वेश्चन हो सकता है वेयर आर यू कम फ्रॉम, और ये बात अपने माइंड में रखना कि कभी भी एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन आपको पूछा है एज इट इज उसे वैसा ही रिफ्रेज नहीं बोल देना, उसे रिफ्रेज करना होगा। लाइक कम फ्रॉम नहीं बोल देना, आप बोल सकते हो आई बिलोंग टू, और आप बोल सकते हो आई हेल फ्रॉम। ठीक है, इसे रिफ्रेज करना होगा, ये अच्छा है, आपका इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। कभी भी बिलोंग टू जो है वो बिलोंग फ्रॉम नहीं हो सकता, और जो हेल फ्रॉम है वो कभी भी हेल टू नहीं हो सकता। सो कीप इट इन योर माइंड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारे आईडी के साथ रिलेटेड होगा। एग्जामिनर हमसे हमारी आईडी मांगेगा, लाइक वो बोलेगा मे आई सी योर आईडी, सो आपका आंसर है वहां पे। बहुत से स्टूडेंट बोल देते हैं यस श्योर,
बट जो श्योर वर्ड है ये इनफॉर्मल लगेगा वहां पे, सो नेवर यूज श्योर. यू कैन से यस हियर इट इज. और क्या बोल सकती हो? यस हियर इज माई पासपोर्ट. आपने पासपोर्ट वर्ड इसलिए यूज करना है क्योंकि तभी हमारे पास जस्ट हमारी एक ही आईडी जो है वहां पे अवेलेबल होती है, दैट इज हमारा पासपोर्ट. सो यू कैन से दैट हियर यस हियर इज माई पासपोर्ट और यस हियर इट इज. क्लियर. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन होता है, डू यू वर्क और स्टडी? क्या आप वर्क करते हो या स्टडी करते हो? आप ऐसे लिख बोल सकते हो वहां पे, अगर आप वर्क करते हो, जीटी स्टूडेंट हो तो आप बोल सकते हो यस आई एम वर्किंग एज, जो भी आप अपना प्रोफेशन वहां पे बताना चाहें बता सकते हो. और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बोल सकते हो वेल आई एम अ स्टूडेंट एंड आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड फॉर हायर स्टडी बिकॉज आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर देयर. ओके, दीज आर द फाइव क्वेश्चंस जो आपसे स्पीकिंग में पूछे जा सकते हैं, जो इंट्रो क्वेश्चंस होते हैं. सो उसके बाद आपके पास वो एक टॉपिक पे आपके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक आपकी हॉबीज के बारे में हो सकता है, कोई लाइक डिसलाइक पे हो सकता है. ठीक है, आपकी स्माइल के बारे में हो सकता है, फिजिकल एक्सरसाइजेस के बारे में हो सकता है. सो देयर आर प्लेथोरा टॉपिक जहां जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहां पे. ठीक है, ऐसे जस्ट सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपने ट्राई करना है कि जिसका भी आपने आंसर देना है वो आंसर टू और थ्री लाइंस में होना चाहिए, नॉट एक्सीड दिस. और ना तो इससे कम होना चाहिए और ना इससे ज्यादा होना चाहिए. एक बात अपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए लाइक डू यू ऑलवेज स्माइल, आपका टॉपिक अगर स्माइल है तो आपका क्वेश्चन आ सकता है डू यू ऑलवेज स्माइल. सो आपने इसका आंसर टू थ्री लाइन्स में कैसे देना है? आप बोल सकते हो नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्माइल. और ट्राई करना कि जो भी आप क्वेश्चन जहां पे आंसर कर रहे हो जिस क्वेश्चन का भी, उसके साथ आपने रीजन भी दे देना है कि आप क्यों स्माइल करते हो. आप इसके साथ रीजन दे सकते हो कि लाइक आई थिंक इट इज द बेस्ट थिंग टू डू. सो ट्राई करना जो भी आप आंसर कर रहे हो, चाहे आप यस बोल रहे हो नो बोल रहे हो, सो उसे रिफ्रेश करने के बाद उसका रीजन दे देना है कि आप क्यों स्माइल करते हो. जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन में भी हो सकता है डू यू लाइक स्माइलिंग. सो आपका ये आंसर कैसे होगा? फर्स्टली तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यस और नो में, तो आपको आंसर करना ही पड़ेगा. आफ्टर दैट आप इसे रिफ्रेश कर सकते हो डेफिनेटली और आप बोल सकते हो ऑफकोर्स आई लव स्माइल, कि मुझे मैं प्यार करता हूं, मैं स्माइलिंग मुझे अच्छी लगती है. ठीक है, यस आई लव स्माइल बिकॉज इट ब्रिंग्स अ पॉजिटिविटी इन मी.
ऐसे आप जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर करने के बाद आप उसका रीजन दे सकते हो कि क्यों आपको वो चीज पसंद है। सो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो है वो इंट्रोडक्शन में पूछे जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि जिस जो भी आप आंसर कर रहे हो वो सिंपल होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं वो टफ वोकैबुलरी यूज करते हैं सिंपल के बजाय, अपना वो पहले ही कॉम्प्लेक्स कर देते हैं अपना आइडिया। सो यहाँ पे आपने सिंपल आंसर देना है ओनली इन 2-3 लाइंस, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी हमारे टॉपिक जो है क्यू कार्ड और डिस्कशन पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।